नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। पाथाखेड़ा में बंद खदानों से कोयले की चूरी उठाने को लेकर के दो गुटों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पूर्व भी दो गुटों में विवाद की घटना मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें एक पक्ष को गंभीर चोटें आई थी, जिसकी शिकायत पाथाखेड़ा चौकी में की गई थी। फिर भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से यह मामला एक गैंगवार में तब्दील होता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक यह गैंगवार किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही है। इन दिनों पाथाखेड़ा का नामचीन अपराधी बबुआ उर्फ रमेश कुशवाहा, जिस पर दर्जनों से ज्यादा मामले हैं, अपने गुर्गों के साथ हथियारों से लैस होकर रात के अंधेरे में बंद खदानों से कोयले की चूरी उठाने का कार्य तेजी से कर रहा है। यह प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन बनी हुई है, जिसका फायदा इस तरह के अपराधी उठा रहे हैं। गुप्त सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ नीलम सिक्योरिटी के सुपरवाइजर धर्मेंद्र राय द्वारा रात्रि के समय गश्त के दौरान भारी मात्रा में बबुआ उर्फ रमेश कुशवाहा की कोयले की चूरी से भरी ट्रॉलियों को पार करवाने का कार्य किया जा रहा है। सूचनाकर्ता ये भी बताते हैं कि इस कार्य में कुछ बड़े सफेद पोश नेता, कुछ पत्रकार और पाथाखेड़ा चौकी का एक प्रधान आरक्षक भी शामिल है, जिसकी वजह से यह कारोबार बड़ी आसानी से बिना रोक टोक के फल फूल रहा है। नीलम सिक्योरिटी का सुपरवाइजर धर्मेंद्र राय, इस तरह के कार्यों में इनकी संलिप्तता पहले भी उजागर हो चुकी है। CHP का कोयला चोरी छुपे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरवाते हुए रंगे हाथ पकड़ा भी गया है। कहा जाता है धर्मेंद्र राय पर कुछ बड़े सफेद पोशों का हाथ है, जिससे वह प्रशासन से साठ गांठ जमाने में माहिर है। प्रशासन की चुप्पी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, सोचनीय विषय है। MBCD 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MBCD 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।